तो जब हम डेटा सेंटर की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ कम्प्यूटर्स या सर्वर्स की बात नहीं करेंगे कम्प्यूटर्स सर्वर्स के अलावा हमें वहाँ बहुत सारे केबल्स देखने को मिलेंगे जिनसे कि हम सप्लाई और एक दूसरी मशीन को कनेक्ट कर रहे होंगे वहाँ हमें स्टोरेज सिस्टम्स देखने को मिलेंगे यानी कि वहाँ स्टोरेज डिवाइस हमें देखने को मिलेंगी और राउटर्स हब्स स्विचेस ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो भी टेली के अंदर यूज़ होती हैं इसके अलावा हमें पावर सप्लाई यूनिट्स बैकअप सिस्टम्स वहाँ देखने को मिलेंगे ताकि हम उन सारी मशीन्स को पावर दे पाएँ और इन सारी चीज़ों के अलावा क्योंकि हमें हमारे टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना है ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन रखना है तो हमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स भी वहाँ देखने को मिलेंगे फायर सप्रेशन इक्विपमेंट्स भी हमें वहाँ देखने को मिलेंगे कई बार सिस्टम जो है गर्म हो जाता है वहाँ आग लग सकती है शॉर्ट सर्किट हो सकता है तो उन सारे चीज़ों से एक तरीके से लड़ने के लिए वहाँ बहुत सारे डिवाइसेस बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं